भिवंडी स्थित कल्याण रोड हनुमान मंदिर के पास मनसे श्रमिक सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा भिवंडी शहर लूम कारीगर व मुकादम के विभिन्न समस्याओं को लेकर मलंग मुल्ला, गनी शेख, हुसैन शेख, अजय भानुशाली द्वारा एक अहम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में लूम कारीगर व मुकादम के बढ़ते हुए समस्याओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर श्रमिक सेना सर चिटनिस महाराष्ट्र प्रदेश राजेश उज्जैनकर, मनसे वाहतुक सेना थाने जिला अध्यक्ष बालाजी गुलवी, मनसे वाहतुक सेना भिवंडी शहर अध्यक्ष नजीर शेख उर्फ पप्पन, मनसे शहर सचिव शैलेंद्र करले व आदि मान्यवर उपस्थित थे। सभी मान्यवरों ने लूम कारीगर व मुकादम के बढ़ते हुए समस्याओं की समाधान करने की बात की और आगे हम आपको बता देंगे भिवंडी शहर में जो भी लूम कारीगर व मुकादम की लूम मालिकों से जो भी शिकायत है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। हमारे वरिष्ठों पर हमने बात पहुंचाई है कि हमारे जिला अध्यक्ष साहब हैं, कि हमारे शहर के सचिव हैं। तकलीफ क्या हो रहा है कुछ बताइए क्या? कुछ नहीं, तुरंत हिसाब दे देगा, कुछ बोलेगा बिना, बोनस भी नहीं देंगे, पगार भी टाइम पे नहीं देंगे। 4 मीटर पहले भीम कटवा देगा, रात में 9 बजे जाने का टाइम होता है, चलो छुट्टी का 9:30 बजे भीम काट के कुर्सी लगा के बैठा रहता हूँ। मादम खाना खाए घर पर ना जा पाए, 11 बजे आता हम लोग रात में, जानवर है, शुक्रवार का भी छुट्टी नहीं। 14,000 पगार देगा, 15 देगा, कोई देगा 100 रुपया, हम लोग का खोली का भाड़ा निकल जाता है। सब्जी भाजी इतना मांगा क्या पड़ रहे, ऊपर से इतना हार ड्यूटी, अगर बीमार हो तो आओ जल्दी, नहीं तो कल दूसरा मुकादम आ जाएगा, वो 13,000 में आ जाएगा, उसको ऐसा पटा करेगा, भले 1,000 रुपया उसको अंडर ग्राउंड देगा, उसको बोलेगा मैं 13,000 में लगा दिया। हमारे सबसे जस्टिस है से मैं बोलना चाहूंगा कि ये 0% है, यहाँ पे 0%। जैसे हकरा बोना सब कुछ लोग हैं जो उससे फायदा उठाते हैं, सेठ लोग, क्योंकि उनको अच्छा खासा रुपया मिलता है। ये सब हमको सोचना है इसके बारे में, अगर एक मजदूर को कहीं अगर कुछ तकलीफ हुई है, अगर उसकी कोई वजह से कोई हमारे पदाधिकारी कोई 10,000, 15,000, 20,000 दो ऐसे ही नहीं बोल रहा है। इसमें एक संगठन का फीस होता है, मतलब उसकी रकम जो है 240 रुपया साल की, ये कोई बड़ी रकम नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उतनी मरनी है और देना है संगठन को, उससे ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं देना है, ना ही कोई वकील का खर्चा करना है आपको, ना कुछ करना है। इसमें बहुत से फायदे हैं, गनी और मलंग मुल्ला को मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना हो गया, हमको काम करके अभी तक पेमेंट हमको नहीं मिला, फिर से बोलता हूँ सर हमारा पेमेंट में तो बोलता है नहीं, अभी उनको गांव जाना था 14 तारीख को, 2 महीने से काम करके बैठा तो क्षेत्र में बोलते 10 को 15 को 25 को, लेकिन बोलने के बोलते 10 तारीख को दूंगा, ये 10 को दूंगा, 3 महीने हो गया पेमेंट नहीं दे रहा। मैं बोला सर जो भी है मेरा पैसे खुल दिया, मेरे गाँव में जा रहा हूँ, तकलीफ है, बोलता अभी नहीं दूंगा। ये सेठ का भल मंसाहत है कि ये बोल रहे हैं कि 1 महीने बाद तुमको टाइम दे रहे हैं, मतलब दे देंगे, अगर मैं ये जगह पे रहता तो तुमको बोलता कि पेमेंट ही मत दो। हाँ वो बोले कि मैं बोल वो बोले कि 2 महीने इतना दिन तुमको नहीं पेमेंट दिया, क्या मेरा उखाड़ लिया। आपले सर्व श्रमिक चे सभासद झालेले आहेत, त्याबद्दल अभिनंदन, आणि असंच काम त्यांचं पुढे वाढत राहो, आणि गुळवे साहेबांनी आता त्यांना एक नवीन जे सूचना केली आहे, सजेशन दिलेलं आहे, त्याप्रमाणे मला वाटतं ते जास्त प्रमाणात वाढेल,
खूप चांगली उपयुक्त सूचना आहे ती, ती अंमलात आणावी आणि त्याच्यामुळे लवकरात लवकर 64,400 आपले झाले पाहिजे अशी अपेक्षा. आज माझे महाराष्ट्र नवनिर्माण सर्वशक्ती सेना मार्गदर्शन महाराष्ट्र नवनिर्माण सर्व श्रमिक सेना जो है केवल असंगठित कामगारों के लिए काम कर रही है और भिवंडी में ऐसे बहुत से असंगठित कामगार हैं जहाँ पे इनको अभी तक न्याय नहीं मिला है. राज साहब के नेतृत्व के ऊपर इन्होंने विश्वास रखकर हमारा सभासदत्व का स्वीकार किया हुआ है. उस सभासदत्व के अनुषंगा से हम लोग आज इनके जो भी मुद्दे हैं, मतलब इन पर जो भी अन्याय हुआ है हो रहा है उसको दूर करने के लिए ये संगठना आगे चलकर प्रयत्न करेगी और इसका कामकाज देखेगी. आज हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बहुत से पदाधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित है, अलग अलग सेल के वातुक सेना है, लोकल सेल के शहर सचिव है, वातुक बाकी के भी पदाधिकारी है, तो उनका सबका सहयोग भी इस संगठना के काम में रहेगा ऐसी आज सबकी तरफ से मैं गवाही भी देता हूँ. और इनको आगे मतलब और से और ज़्यादा से ज़्यादा असंगठित कामगार इस संगठना के सभासदत्व हो ये अपील भी करता हूँ. महाराष्ट्र नवनिर्माण श्रमिक सेना के सरचिटनीस राजेश उज्जनकर साहब, हम सबसे पहले तो उनका आभार व्यक्त करते और वातुक सेना जिला अध्यक्ष गुलवी साहब, बालाजी गुलवी साहब, हम उनका आभार व्यक्त करते कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आके जो हमारी हौसला अफजाई की और हम लोगों के सर पर जो आशीर्वाद का हाथ रखा उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं. और हमारे जो मुकादम और असंगठित कामगार के जो सदस्य और जो लोग यहाँ पर आए हम उनका भी स्वागत करते हैं, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं. और हम यही चाहते हैं कि भाई आगे जो भी पक्षी की तरफ से जो भी काम हो और जो कुछ भी करना है और भिवंडी की समस्याओं को लेकर और भिवंडी के मामला को लेकर जो भी मामला है, चाहे वो टोरेंट का हो, पावर लूम का हो और भी दूसरे जो कामगार हैं, हम बस यही गुजारिश करते हैं साहब लोगों से कि आप हमारे आप आपको मार्गदर्शन देते रहे, आप हमारे आशीर्वाद देते रहे और हम लोगों के काम आते रहे. सबसे पहले तो काम ये लगेगा कि वो जितने मुकादम लोग हैं वो हमारी जो संगठना है उसके सदस्य बने. सदस्य बनने के बाद हम उनको उनके जो मामला है वो हम जाएंगे और हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. हमारे जनकर साहब और हमारे जो वरिष्ठ हमारे साथ में है और हम लोग उनके मार्गदर्शन में और उनसे राय मशवरा लेके, उनसे सलाह मशवरा लेके हम काम आगे करते रहेंगे और संगठन को मजबूत करते रहेंगे. और यही दो बातें बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. प्रोग्राम हुआ है संगठन के लिए, बड़े साहब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे भिवंडी के मजदूरों का जो आज 40-45 साल से हम जो देखते आए हैं, जो तकलीफें झेलते आए हैं लोग, आज तक किसी ने हल नहीं किया. लेकिन राज साहब की पार्टी से हम लोग को 100% उम्मीद है और ये हमारे साहब लोगों से भी उम्मीद है कि हमारे पीछे खड़े रहेंगे. मैं भिवंडी के वासियों से ये आज ऐलान करता हूँ यहाँ से कि जितने भी लोगों ने जो आगे जो देखा है, जैसे संघा बनी है उनका काम हुआ नहीं है, तो बराए मेहरबानी आज जो संगठन बनने जा रही है इसका सपोर्ट करें और इंशाल्लाह हम इनके हमेशा साथ खड़े रहेंगे क्योंकि हमारे साथ पे इनका हाथ है. अब मेहरबानी करके ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भिवंडी में मैं समझता हूँ कि लाखों में बनने की कोशिश करें और हर इंसान जितने भी गरीब मजदूर हैं ना उनके लिए हम हमेशा खड़े हैं. हमारा साथ इनके साथ में रहेगा, हमको सपोर्ट रहेगा, तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते रहेंगे और गरीबों का काम करते रहेंगे. आज जो भिवंडी की हालत है मजदूरों की कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है. आज दिन भर लोग मजदूरी करते हैं, 12-12 14-14 घंटा उन लोगों से काम लिया जाता है. उनको जो मजदूरी मिलती है उनका उनको हक मिले, हफ्ते में जो छुट्टी है वो छुट्टी मिले, बाकी और बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो उनको आज तक नहीं मिली है. हमारे राज साहब की पार्टी से हमको उम्मीद है कि सारी चीज़ें भिवंडी को लोगों को मिलेगी, हमको पूरी पूरी 100% उम्मीद है. ये मैं भिवंडी के मजदूरों से ये अपील करना चाहूँगा कि हमारा साथ दें, हम भी तुम्हारे लिए आधी रात को खड़े हैं. साहब लोगों का हमको आधी रात का सपोर्ट है, इंशाल्लाह कभी तुम्हारा काम हल होते रहेगा हमेशा.